भारत के लिए बल्कि दूसरे देशों के लिए भी एक रोल मॉडल है, एक आदर्श है। आप डेयरी प्रोजेक्ट को लें, गुजरात में जो डेयरी का प्रोजेक्ट है, जो दुग्ध का उत्पादन है, जो श्वेत क्रांति गुजरात में आई है, उस क्रांति का अब जो उसका आधुनिकीकरण हुआ है और ये जो इस स्टेज में उसमें जो समृद्धि आई है और जो उसका लगातार विकास हुआ है, उसका श्रेय आप नरेंद्र मोदी को जरूर दे सकते हैं। जी बिजली के उत्पादन में जो हमारे पास पहले थर्मल एनर्जी थी और इसके अलावा जो हाइड्रो एनर्जी है, उसके अलावा एक वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में जो वहां पर सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी का प्लांट विकसित हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट गुजरात में लगा है। ये पूरे विश्व के लिए एक क्या कहा जाए, बहुत कम समय में, सिर्फ 1 से 1.5 साल के समय में इतनी बड़ी उच्च क्षमता वाला सोलर प्लांट वहां लगा दिया गया। आज विश्व में जिस तरह से जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, उसकी जिस तरह से उसके भंडार खत्म हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर वैकल्पिक एनर्जी हमें मिलती है तो और उससे बिजली का उत्पादन होता है, तो पूरे मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी देन है। और गुजरात ने ये बहुत कम समय में बहुत ही एफिशिएंटली इस काम को कर दिखाया है, इसलिए पूरे वर्ल्ड का ये रोल मॉडल बन सकता है। कई ऐसे देश हैं जहां पर कि सनलाइट बहुत प्रचुर मात्रा में होती है, उन देशों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। इसलिए पूरा देश आज भारत की तरफ, गुजरात की तरफ देख रहा है, तो गुजरात के विकास ने भारत का सिर ऊंचा किया है पूरे विश्व में। जी, तो गुजरात ने भारत का सिर ऊंचा किया है और उसी का शायद यह नमूना है जो देखने को मिल रहा है। एक बार मैं आशीष त्रिवेदी आपके पास आना चाहूंगा। ये जिस तरीके से भी ब्रिटेन की जो इस वक्त की गतिविधियां हैं जो देखने को मिल रही हैं, खासतौर से जिस विकास की हम बात कर रहे हैं, जो अमूमन हमको भारत के हर स्टेट में देखने को नहीं मिलता है, जो ब्रिटेन आज मान रहा है, क्या इससे सबक लेने की आवश्यकता अन्य राज्यों को भी आप हिंदुस्तान के अंदर देख पा रहे हैं? क्या गुजरात से यहां सबक लेना चाहिए अन्य स्टेट को भी? निश्चित ही जो गुजरात का विकास है, इससे अन्य राज्य को भी सबक लेना चाहिए। और जैसे गुजरात भारत के विकास में अपना सहयोग कर रहा है, इस तरह अन्य राज्य को भी सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल ही सबक लेने वाली विषय है। जी चलिए बालाजी, लेकिन अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं आपसे लगातार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अपने आप को डेवलप कर पाए हैं, जिस तरीके से पिछले दिनों भी हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको अंडर अचीवर और तमाम तरीके की संज्ञाएं दी गई थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी का लोहा अगर विदेश मान रहा है, तो जो हमारी जो हिंदुस्तान के अंदर की जो राजनीति है उस पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा नरेंद्र मोदी की छवि जो इस वक्त सुधर रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? मुझसे प्रश्न है? जी बालाजी, आपसे पूछ रहा हूं। जी जी जी, जैसा हमने पहले भी बताया कि नरेंद्र मोदी ने जो विकास की राजनीति शुरू की, इसी विकास की राजनीति का परिणाम है कि आज गुजरात का नाम पूरे विश्व में इस तरह से आया है और ये विदेश ब्रिटेन के द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है, जो ये अपने आप में इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि विकास की राजनीति करने वालों की पूछ सब जगह होती है। जी। दूसरी बात आपने की कि राष्ट्रीय राजनीति में उसके क्या परिणाम है, तो दूसरे जो दल हैं जो नरेंद्र मोदी को कोसते हैं, जो उनके विपक्षी हैं, जो उनके विरोधी हैं, उन्हें भी आज कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। गुजरात के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन उनके विपक्षियों के पास आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहने को मुद्दों की भारी कमी है। जो मीडिया है जो उनके खिलाफ लगातार मोर्चा खोले रहती है, कई मित्रों से हमारी बातचीत होती है, उन्हें निगेटिव दिखाने के लिए कुछ एजेंडा नहीं मिल रहा है। ले देकर के एक गुजरात दंगा का जो धब्बा है, उसके माध्यम से नरेंद्र मोदी की छवि को जितना घेरा जा सकता है वो घेरा जा सकता है। उसमें भी मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन विकास की अगर बात करें तो उनके विपक्षियों के पास इस बात के जवाब नहीं, जवाब नहीं है। और इसी यही वजह है बालाजी की, बस एक जो मुद्दा उनके हाथ में है उसी को लेकर के वो इस चुनावी संग्राम में कूदना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपने दोनों मैं सहयोगियों का यहां पे देना चाहूंगा कि हमारे साथ इस डिबेट में सम्मिलित हुए। आप लोग अपने एक्सपर्ट कमेंट रखे यहां पर। बहरहाल नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वो पूरी तरीके से चल चुका है और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात खुद अब ब्रिटेन भी मान रहा है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो विकास की गाथा जो रची है, जो विकास का हम ये कह सकते हैं एक मॉडल पेश किया था हिंदुस्तान के लिए, वो अब सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी अब उसकी गूंज स्पष्ट तौर पर सुनी जा सकती है। तो आज के सुदर्शन विशेष में फिलहाल इतना ही, होंगे फिर से हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।